top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. वैश्यवृत्ति के खिलाफ आप एक्शन लेते हैं, आदिवासी को लेके आप एक्शन लेते हैं, कभी किस तरह का डर नहीं लगता आपको कि किसी की तरफ से धमकी मिले या किसी तरह का डर आपको? जी 94 से धमकियों का ही सामना करते आ रहे हैं. लोगों ने बहुत लिखित में धमकियां दी, बहुत ऐसी चीजें हम पे अटैक बहुत हुए, बहुत कुछ हमारे साथ हुआ है लाइफ में. तो वो सिर्फ ड्रग माफिया, उसके पीछे लिखा होता था कि हम ड्रग माफिया छोड़ेंगे नहीं. आपने खरबों का घाटा डाल दिया, इतने का घाटा डाल दिया, वो पर्ची आती रहती थी. एक बार तो ऐसा मेरठ के पास हुआ, ये शायद हमें ख्याल में नहीं है, 2000 या उसके आसपास का टाइम रहा होगा. तो उसमें बिल्कुल नग्न सीन था लड़के लड़की का, पर लड़के की जो गर्दन काट के हमारा फेस उस पर गर्दन पेस्ट की गई थी और लगता ही नहीं था कि वो हमारी फोटो नहीं. तो उन्होंने वो लिखा हुआ था कि कल अगर आपने यूपी में नशा छोड़ने के बारे में बोला या सर्वधर्म की बात की तो फिर देखना ये पोस्टर सब जगह लग जाएगा. और काफी वैसा उन्होंने किया भी, क्योंकि हमने वैसा ही सत्संग किया. तो डर नहीं लगता, ईश्वर से डर है और उससे प्यार करते हैं. नेचुरली वो हर जगह है, बाकी किसी से डर का नहीं लगता. इसका मतलब अहंकार नहीं, पर ये एक ख्याल है कि हाँ ईश्वर ने अगर बुलाना है तो चारपाई पे अंदर बैठे बैठे बुला लेगा, आजा बेटा. और अगर नहीं बुलाना तो घूमती हुई वो नहीं बुलाएगा. कह लें सिख धर्म में शब्द, कह लें इस्लाम धर्म में कलमा, इंग्लिश धर्म में मेथड ऑफ मेडिटेशन. तो उसको जब करा तो उसमें एक ऐसा अनुभव आता है. पहले हम 90 से लेकर 2000 तक 15-15 घंटे भी मेडिटेशन में बैठते रहे, समय उसमें बिताते रहे, और एक अलग ही मजा आता था, एक अलग खुशी. एक ऐसी हम कैसे बताएं, किन शब्दों में बताएं कि एक ऐसी ताकत फील होती थी, एक ऐसी एनर्जी. हमने घी वगैरह खाया, गांव में रहते थे, ये चीजें खा के देखी, संगीत सुना, सब कुछ करते रहते, लेकिन कुछ भी नहीं उसके मुकाबले. उसमें जो एक लज्जत है, उसमें जो एक आनंद है, एक जो खुशी है और एक एनर्जी जो अंदर इंसान के आती है, वो किसी और चीज से कभी मिली ही नहीं. और उसके लिए हमें लगता है चलते फिरते या काम धंधा करते आप बस गुनगुनाते रहें मेथड ऑफ मेडिटेशन या गुरु मंत्र, उसी से ये सब चीजें मिल जाती हैं. ये बात रही, क्योंकि हम पहले डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाया करते थे ब्लड डोनेशन पे, प्री प्रोडक्शन पे, तो हम 6-6 कैमरे में डायरेक्शन करते थे, तो कोई मुश्किल लगा नहीं फिल्म में. जब भी फिल्म शुरू की तो ऐसा लगा कि ये चीजें तो पहले ही ऐसे हो रही थी, तो करते चले गए. और मजा आया कि डायरेक्शन में जब हम नौजवान को सिखाते थे, इसमें जितने लोगों ने एक्ट किया है उनका हमने ऑडिशन लिया, उनको सिखाया कि ऐसे आप एक्ट करें, इस तरह से बोलना है. और बड़ा अच्छा लगता था जब बच्चे वैसा करते थे. जैसे पहली फिल्म का एक सीन था कि उसमें एक लड़की को रोना था, उसकी विदाई हो रही है, तो उसे रोना नहीं आ रहा था, गिली सिरिंज डाल रहे थे. जब तक शॉट होने लगता था वो खत्म हो जाती थी. तो हमने कहा बेटा तू हमारी तरफ देख, हमने कहा तेरे पापा हैं, कहते हाँ. तो हमने कहा हम तेरे पापा हैं और तुझे विदा कर रहे हैं, तो ये सोच हमारी जगह तेरे पापा खड़े हैं और फिर देखते तेरे निकल के आती है कि नहीं एक्टिंग. वो लड़की इतना रोई, इतना रोई कि अगले दिन उसको हॉस्पिटल से दवाई दिलानी पड़ी. तो रियल में इतना सुंदर सीन बना. तो इस तरह से बड़ा मजा आता है कि जब यूथ को बिल्कुल आसान तरीके से बता देते कि एक्टिंग एक्टिंग नहीं होती, उसको आप नेचुरल तरीके से, बिल्कुल जो आप नेचुरली हैं और जो आप भाव लाते हैं वैसे करते जाओ तो एक्टिंग निकल के आएगी. तो बड़ा मजा आता है जब उनको बताते हैं और वो खुश होते हैं कि आपने हमारी लाइफ बना दी आगे.